यू ही चाल है बेटे, पापा जा रहे हैं इसलिए आपको गुमराह कर रहे हैं। जाएगी उठा के सोच लो फिर, डालो इसमें डालो। मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अभी भी आई हूँ सुबह सुबह, ब्रश ब्रश करके सीधा पहुंची हूँ किचन में, क्योंकि इसके पापा के लिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना होता है। सो चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आप। सो गाइज, अभी यूवी तो रहा है सो, और उसके पापा अभी उठ तो चुके हैं और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। सो मैं जल्दी से करती हूँ ब्रेकफास्ट रेडी और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। सो आप देखिए मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। सो मैं बना रही हूँ सैंडविचेस एंड एग। तो मैंने क्या बोलते हैं इसको, कुकुम्बर और टोमेटो ये मैंने काट के रखे हुए हैं। अंडा फेंटने के लिए मैंने एग भी फेंटा हुआ है। सो बस जल्दी से बनाती करती हूँ रेडी। एंड ये जो ब्रेड है ये है होल व्हीट ब्रेड। वैसे नॉर्मली हम ये वाले ब्रेड यूज़ करते हैं या फिर ब्राउन ब्रेड, फिलहाल आज हम कर रहे हैं होल व्हीट ब्रेड यूज़। और मैंने जो ये टी शर्ट पहनी ये बनी मैंने यूवी के पापा की मेरी टी शर्ट सारी धोने के लिए रखी हुई है मैंने आज। सो तब तक मैंने यूवी के पापा की टी शर्ट पहनी हुई है। सो गाइस, टोस्ट तो हो चुके हैं ब्रेड मेरे सारे और मैंने अंडा भी बनाई किया है। और अब मैं लगाती हूँ इसमें क्या, मुझे पता नहीं क्यों मायोनेज़ बहुत अच्छी लगती है यार, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे पसंद है मायो ब्रेड में वो भी। इज रेडी। और मैंने इसमें क्या डाला है, ये ग्रीन कलर का, ये मेरी सास लेके आई थी नमक बना के, ग्रीन नून, ये मैंने बहुत ही कम डाला क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है ये। सो मेरी सैंडविचेस है रेडी। और मैं करती हूँ अभी यूवी के पापा के लिए ये बैग, क्योंकि इनको ये ऑफिस लेके जाना है। सो गाइज, यूवी के पापा के लिए मैंने पैक कर दिया है सैंडविचेस और अंडा, क्योंकि इनको मॉर्निंग में ना यही ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो सो यूवी के पापा का लंच है रेडी, ब्रेकफास्ट है रेडी। तो मैं जाती हूँ के आती हूँ और फिर अपना रेडी करती हूँ। सो इनका लंच ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी और मैं अपना ब्रेकफास्ट और यूवी का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में बहुत ही जल्दी। और सो गाइस, मेरा भी ब्रेकफास्ट रेडी है और देख के आते हैं कि यूवी क्या कर रहा है। देखते हैं मेरा बेटा उठा भी है या नहीं। Let's see. सोया हुआ है देखो अभी तक। हाँ, सो गाइस, यूवी तो अभी सोया हुआ है। और सो गाइज, मेरा ब्रेकफास्ट भी ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है। झाड़ू मैंने सुबह सुबह उठ के मार दिया था और अभी बस पोछा मारना रह गया है। सो बस अभी यूवी के पापा जाएंगे ऑफिस तो मैं तब आधा काम करूँगी, क्योंकि जब तक ये ऑफिस नहीं जाएंगे तब तक मेरा काम ऐसे रहेगा। तो जब ये जाते हैं ऑफिस तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में।
A few minutes later. So guys, देखो युवी भी उठ चुका है अब सो के. युवा कहाँ जा रहे हो? जा रहा अपने पापा के साथ. गया अपने खिलौने वास. हाँ जी मिस्टर. गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? टाटा नहीं, गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अटक के ऊपर और चरा अटक पे आग लगा दूंगी. अटक के ऊपर और चरा अटक पे आग लगा दूंगी. यूवी चाल है बेटे, पापा जा रहे हैं इसलिए आपको गुमराह कर रहे हैं. युवा पापा जा रहे थे. युवा पापा को टाटा बोल दे. बाय संजू, टाटा, गुड मॉर्निंग. आ गए युवी, आ गए ससुर, आ गया वो. पापा गए. पापा पापा कितना भी गुमराह कर लो आप, मुझे जाने नहीं दूंगा. यूवी के पापा निकल गए चुपके से. मैं पड़ गई. यूवी कहाँ है पापा? पापा कहाँ है? सो गाइस यूवी के पापा जा चुके हैं ऑफिस और अब मैं खेल रही हूँ यूवी के साथ गेम. आज मैंने कुछ न्यू गेम सोचा है यूवी के साथ खेलने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ. यह है मैंने कढ़ाई में पानी और ये है खाली थाली, छन्नी और कुछ बॉल्स. सो अभी हम इसी से रिलेटेड ही गेम खेलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे खेलेंगे गेम. यूवो आर यू रेडी बेबी? कुना आर यू रेडी माय बेबी? सो गाइज आज हम ये गेम खेलने वाले हैं यूवी के साथ और मैं आज इसको सिखाऊंगी कैसे खेलते हैं. चलो गुनो आर यू रेडी? देखो ये 3 बॉल्स हैं, ये मैंने मम्मा ने इसमें डाल दिया. नाउ मम्मा क्या करेगी, इससे मम्मा 1-1 बॉल पिक करके इसमें डालेगी. ओके जैसे कि ये है, ये ऐसे ऐसे, फिर मम्मा दोबारा उठाएगी इसको एंड ऐसे, फिर मम्मा एक इसको उठाएगी और ऐसे. ये क्लैपिंग, तुझे क्लैपिंग नहीं करना है बच्ची, आ जाओ सही थे. अभी वो थोड़ा ना सोच रहा है कि मम्मी करके आ रही है मेरी बॉलों के साथ. हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आर यू रेडी टू डू दैट? यस ओके नाउ स्टार्ट. यूवी कैसे खेलेगा इसको? यूवो ऐसे नहीं बेटा, बॉल यहाँ रखो, बॉल यहाँ रखो ठीक है. टेक दिस. ओके नाउ स्टार्ट. ऐसे हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना और इसको इसमें डालना है. ऐसे गुड बॉय, अगेन वंस मोर. ऐसे ऐसे अगेन 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 अगेन, बॉल बॉल पिक वन बॉल एंड इसको ये क्लैपिंग. उसको पानी में खेलने के लगी है पता है. लो चलो अब खेलो दोबारा. पिक वन बॉल गुनू, पिक वन बॉल बेबी. लो चलो 1 2 3 ऐसे और ऐसे कर दो. नहीं खेलना है बस, डालो इसमें. देखो मम्मा सब कुछ ले जाएगी, उठा के सोच लो फिर. डालो इसमें, डालो इसको भी, डालो इसमें, खेलो अगेन. करो आप करो. Clap, 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 clap. इतना चल रहा. So guys, मैं खेलती हूँ उसके साथ गेम और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में. अच्छा हाँ, मुझे एक चीज बतानी थी. आज हमारे पीछे वाले प्लॉट में ना लोग आएंगे, मतलब कुछ लोग आएंगे पेड़ काटने के लिए की. सो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पे नारियल के पेड़ों को कैसे काटा जाता है. मतलब वो लोग क्या करेंगे, मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ते भी हैं फिर काटते भी हैं. तो मैं आज फर्स्ट टाइम देखूंगी
एंड फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो जैसे ही वो आएंगे मैं आपको तब शो करूंगी, तब तक मैं उसके साथ खेलती हूँ और फिर मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ों पे लोग कैसे चढ़ते हैं, फिर कैसे उसको काटते हैं। सो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में, तब तक मैं इसको सिखाती हूँ कि कैसे खेलना है इस गेम को। ओके बाय बाय। सो गाइस आ गए हैं ये लोग पेड़ काटने के लिए और वैसे उन्होंने ऑलमोस्ट सारा कुछ काट दिया, मैं थोड़ा लेट हो गई आने में। और ये देखो ये जो ये है सबसे बड़ा जिस पे इन्होंने ये रस्सी बांधी हुई है, इन दोनों को ये काटेंगे क्योंकि ये घर के आगे आ रहा है तो ये काटना जरूरी ही होगा। और अभी ये चढ़ रहे हैं भैया, सो देखना ये कैसे चढ़ते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी नारियल तोड़ने वाली, उसमें भी देखा था ना आपने कैसे क्लाइंबिंग कर रहे थे। सो गाइस देखो इन्होंने रस्सी बांध दी है और अब ये इस पेड़ को काटेंगे, बट ये काटने से पहले पूरा तो एक साथ नहीं काट सकते ना, क्योंकि पूरा काटेंगे तो दीवार टूटने के चांसेस हैं, तो वन बाय वन काटेंगे मे भी शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी पता नहीं। तो देखते हैं कैसे काटते हैं। अभी फ़िलहाल ये कर रहे हैं चढ़ने की कोशिश। सो हो गया इनका चढ़ना स्टार्ट। टाटा यू टाटा कर रहा हूँ उनको। टाटा यू देख रहा है ऐसे। माय गॉड कितनी बुरी तरह गिरा ये। पूरी धूल धूल हो गई सच्ची में। अब हाँ मैंने कहा था ना कि वन बाय वन ही काटेंगे, मतलब कितना, मतलब हमें देख के कितना अच्छा लग रहा है, बट जो ये काट रहे होंगे ना इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी ना, मतलब यार इतनी धूप में बेचारे। तो अब ये काट रहे हैं सेकंड वाला मतलब ऐसे वन बाय वन करके ही काटेंगे, थोड़ा छोटा छोटा करके। सो गाइज देखा आपने कैसे काटा इन्होंने पेड़, तो इन्होंने ये एक दो तीन पेड़ काट दिए हैं ऐसे ही। और बस फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।